वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ECO07 राइडर के बारे में। अभी उन्होंने एक ब्लॉग डाला है, उसमें ECO07 हार्दिक पांड्या के साथ में नजर आ रहे हैं। किसी क्रिकेटर के साथ यूट्यूबर का पहली बार कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। What do you really want to say those people who are really looking forward for you? बहुत सारे लोगों का aspiration है to be a cricketer and to be like anything profession wise. See, the only thing is that be honest, hard. If you want to work hard, you need to work hard with a lot of honesty. अगर आप वो चीज कर पाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक सबसे बड़ी चीज वो है कि अगर आप में अगर जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता। मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो, मैं नहीं रोक सकता। सो लाइफ में मुझे 1000 जन ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। अगर आप में है जुनून और मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है आपको उसमें। सो मेरा मानना हमेशा है मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमेजिंग कमिंग अप फ्रॉम हिम इज ऑलरेडी अमेजिंग। ये सब चीज़ों के बारे में तो लोगों को पता है, बट वन थिंग जो आपके फैंस को नहीं पता, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हार्दिक पांड्या फैंस को नहीं पता? कि मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाता। ओके। मैं हमेशा होम बॉय हूँ, घर पे रहता हूँ। मैं पिछले तीन चार साल में ना मैं कभी बाहर गया हूँ, कभी गया हूँ तो कोई दोस्त का कुछ हुआ है और मैं अवॉइड नहीं कर सकता इसलिए। और दैट्स इट। कभी मैं या बार बार निकलता नहीं हूँ, घर में पूरा टाइम रहता हूँ। मैं एक बार मैं 50 दिन घर पे था नॉन स्टॉप, जहाँ मैंने घर की लिफ्ट नहीं देखी है। सो मतलब 50 दिन क्या कर रहे थे आप घर पे? कुछ तो ट्रेनिंग, घर पे बैठ के। मेरे पास खुद का घर का जिम है, खुद में होम थिएटर है, तो जो मुझे जो चीजें पसंद है मेरे घर के अंदर है। ओके। सो मैं वो चीज घर के अंदर बैठ के करता हूँ। मुझे मेरी फैमिली पसंद है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, और जो भी लोग होते हैं मेरे दोस्त या कोई भी चाहने वाले या कोई भी मेरे मैनेजर या कोई, वो सब मुझे घर पे मिलते हैं। सो आई डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ माय हाउस टू डू एनीथिंग। अमेजिंग। एक चीज और हार्दिक भाई, आपके टैटूज देखे मैंने। आई एम आल्सो लाइक यू नो अ टैटू फ्रीक। आई हैव गॉट लाइक अ लॉट ऑफ टैटूज। कैन यू होल्ड दैट अप? यस। I've got a lot of tattoos. अरे वाह, colorful है तेरा तो। मेरे skin पे नहीं दिखेंगे colorful। आपने सारे black ही करा रखे हैं। Like so, is there? वही दिखे हैं, वो ही दिखेंगे ना, दूसरे color दिखेगा नहीं। So is there any specific like कोई tattoo की एक specific story which you want to share? ये मैंने बनाया था जब मैंने IPL खेला था, World Cup खेला था, that before the Bangladesh game के एक ही दिन या दो दिन पहले ही बनाया था, क्योंकि this shows that in life time is everything. I come from wherever I come from life mein mehnat aur samay nahi change kiya, so ye mere liye bahut special hai. And obviously I have a tattoo on my shoulder which is Agastya's and my original photo which I got it and asked my tattoo artist to copy it and exactly got it done. And so, he did it the right way. Absolutely. क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैंने एक मेरा ये पॉकेट मैंने बताया, ये मैंने इधर भी करवाया था एक वॉरियर, वो बेचारा वॉरियर से ज्यादा बेचारा गरीब कोई सैनिक लग रहा था, तो मैंने बोला इसको बढ़िया वॉरियर वाला। मैंने ना ये पोकेमोन सीरीज करवाई थी इस साइड पे। सो वो बल्बसौर को ना उसने बुल्बसौर बना दिया था, इतना वैक था। यू कैन सी दैट लास्ट में बल्बसौर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इतना वैक करा था ना। एंड आपको पता है गाइस, कभी कभी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर टैटू खराब हो जाते हैं। हार्दिक भाई के साथ भी ये चीज हुई है। वो है मेरा तो मिट गया है, इधर ये मिट गया है मेरा। ये कितना पुराना था? ये 2019 का है। ओके। ये मेरा सबसे पहले टैटू था 2018 एंड लुक एट द इंक, इट्स लाइक मेरा 2016 में था पहला। एक चीज ना हमारी ऑडियंस आपसे ना बहुत स्पेसिफिकली पूछ रही थी, आपको पता है हम लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं, राइट? और वो फर्स्ट बॉल पे अगर आउट हो जाता है कोई तो फिर वो ट्राई बॉल वाला सीन रहता है या बाकी प्लेयर्स के साथ ही चीजें, फर्स्ट बॉल पे आउट वाला रूल, वहां पर नॉट आउट वाला चलता नहीं चलता है। पहले हम लोग खेलते ही नहीं है ना, थोड़ी हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, कहाँ से खेलेंगे कभी पता है। मैं सवाल का मैं जवाब दूँ कैसे? मैं इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहा हूँ, जब वहाँ पर आप खेलते होंगे तो फिर यू नो कभी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? प्रैक्टिस में ना ही नहीं, ये सब काम वो लेवल पे काम, ये सब बस हाँ चलती है। और वहाँ तो कहाँ टीवी होता है, वहाँ बोले आउट होने